आप दो मिनट के लिए सोचिए कि हमारा जो हिंदुस्तान है यहां पे बेटी और बाप का जो रिश्ता है बहुत अलग है। यहां पे बाप बेटी के साथ ज्यादा अटैच होते हैं या बेटियां पिता के साथ ज्यादा अटैच होती हैं। आज भी आपकी बेटी 5 साल की हो गई दिव्या, आप देखिए जब भी आप घर पहुंचते होंगे ना तो सबसे पहले अगर कोई पानी भी लेके आएगा आपका डर होगा, आपके लिए कुछ भी छोटा काम होगा तो पहले आपके बेटे ही सबसे पहले आगे बढ़ेगी वो काम को करने के लिए। तो हिंदुस्तान में बेटी और बाप का रिश्ता आज से नहीं सदियों से रहा है कि वो एक बहुत ही अहम रिश्ता है। दो मिनट के लिए जरा आप सोचिए, फ्लैशबैक में जाके पीछे जाके उस दिन को याद करिए। आप सभी लोग दो मिनट के लिए सोचिए, उस दिन को याद करिए जिस दिन आपकी बेटी का जन्म हुआ। जस्ट सोचिए कि जब नर्स ने या डॉक्टर ने या जो भी दाई ने लाके आपको गोद में दिया होगा, पहली बार आपकी बेटी को आपने देखा होगा, तो आपको लगा होगा आज मेरे घर में लक्ष्मी आ गई। और तब से लेके आज तक आपने उसकी हर खुशी हर चीज को आपने पूरा किया होगा। क्यों? क्योंकि बेटी और बाप का रिश्ता हमारे इंडिया में बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। और आज आप उसको देखे बिना शायद एक दिन भी नहीं रहते, बाहर भी रहते तो आप फोन करके एक बार बात करते हैं। ये बेटी और बाप का रिश्ता है। एक मिनट के लिए सर आप सभी लोग सोचिए, आज 5 साल की हो गई और मालूम नहीं पड़ा कब बड़ी हो गई। एक समय ऐसा आएगा जब ये इतनी बड़ी हो जाएगी दिव्या कि आपके कंधे पे सर रख के बोलेंगे, पापा आज मैं आपके घर से जा रही हूं। जिसके लिए आप एक सेकंड भी कभी दूर नहीं रहते थे, वो बेटी जिसको आपने 20-22 साल पाला है, वो यहां पे सर रख के बोलती है, उसकी आंखों में आंसू होता है कि मैं आज आपका घर छोड़ के जा रही हूं। उस दिन पिता ये चाहता है कि क्या क्या दे दू, जो मेरे पास है सब दे दू, ये खुश रहे, हर खुशी दे दू। और हम चाहते हैं कि उसके हर सपने को पूरा करें। इंडिया में एक और कल्चर है सर, जब बेटियां शादी के बाद घर आती हैं, साल में एक बार या दो बार या तीन बार जब भी, तो जब भी वापस जाती हैं, पिता बिना कुछ दिए उनको वापस नहीं भेजते, इसको हम शगुन बोलते हैं। कुछ ना कुछ दिए बिना वापस, जैसा गरीब बाप है 2 रुपया देगा, अमीर बाप है 2 लाख देगा, लेकिन हमेशा हम अपने बच्चियों को कुछ ना कुछ देते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए ये कब तक, ये रस्म कब तक चलेगी? जब तक आप हैं, आपके बाद ये रस्म बंद हो जाएगी। वो बेटी इंतजार करेगी कि मेरे पिताजी आते तो कुछ मिलता या मैं जाती तो कुछ मिलता, लेकिन वो चीज नहीं। लेकिन अब एलआईसी ऑफ इंडिया ने, हमारी संस्था ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, इतना बढ़िया प्लान निकाला है जीवन उमंग बच्चियों के लिए गिफ्ट प्लान, कि सिर्फ आप उस वीडियो को, दिव्या का बर्थडे भी आने वाला है उसी दिन, आप ये प्लान उसके नाम पे लीजिए, उसके प्रीमियम को जमा करिए, जो अमाउंट आप डिसाइड करेंगे 16,000, 21,000, 51,000, 1 लाख, जो अमाउंट आप डिसाइड करेंगे जीवन भर उसके जन्मदिन पे हर दिन एलआईसी की तरफ से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, आप वहां पे भी रहेंगे स्वर्ग में, तो वहां से देखेंगे कि मेरी बेटी को मैं हर साल कुछ ना कुछ दे रहा हूं, हर वर्ष में कुछ ना कुछ दे रहा हूं, जो मैं शगन उसको देता था वो आज कंटिन्यू है और आज तक मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को वो चीज मिल रही है। सर इतना प्यार आप अपने बच्चे से करते हो, एक छोटा सा प्लान जो मैं मेरी तरफ से मैं चाहता हूं, इतना गिफ्ट आपने दिया है, ये जीवन उमंग का गिफ्ट जो है अपनी डॉटर को दीजिए। लाइफ टाइम आपको याद करेंगे, आपके आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करेगी कि मेरे पापा मुझे भूले नहीं है, वहां पे भी है, लेकिन उनको 28 जून मेरा बर्थडे याद रहता है, हर दिन एलआईसी अकाउंट में पैसा बर्थडे के दिन डाल देते हैं और मेरे पिताजी का आशीर्वाद ब्लेसिंग मिल जाता है। सर एक ऐसा प्लान जब अपनी बेटी के लिए इतना कुछ आपने किया है, तो मुझे लगता है एक छोटा सा ये गिफ्ट प्लान अगर आप ले लेंगे तो ये प्रोडक्ट शायद जीवन भर आपके बच्चे आपको याद रखेंगे। सर थैंक यू वेरी मच।